हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 8 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में कहा कि इन ए पॉलिटिकल सिस्टम जो प्लुरलिज्म के लिए कमिटेड है, वहां पर हेट स्पीच राइट टू इक्वलिटी को कमजोर करती है। जजमेंट अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया, जिसमें हेट स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एलोबरेट बातें कही। अब हेट स्पीच और फ्री स्पीच में क्या अंतर है? फ्री स्पीच के तहत कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आती है, तो वहां हमें कमेंट, फेवर या क्रिटिसाइज करने का अधिकार होता है। जबकि हेट स्पीच की बात करें, तो इसके तहत ऐसे स्पीच जो किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप को टारगेट करके बोले जाते हैं। हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? बेसिकली इसके तहत इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, पॉलिटिकल और सोशल इक्वलिटी हमें देखने को मिलेगी बिटवीन डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड ग्रुप्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिटी। अब एक बात हमें बताइए कि राइट टू आस्क इक्वलिटी संविधान के किस आर्टिकल के तहत डिफाइंड है? फ्री स्पीच संविधान के किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं? कोर्ट ने डिग्निटी को भी डिफाइन किया। डिग्निटी मतलब ये किसी भी व्यक्ति का बेसिक इंटाइटलमेंट है जो सोसाइटी से प्राप्त होता है या सोसाइटी उन्हें प्रदान करती है। इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑनर और एस्टीम एज एन इंडिविजुअल एज इन द केस ऑफ डिफेमेशन विच इज इंडिविजुअलिस्टिक। यानी कि ये जो डिग्निटी है कोई प्रेस्टीज नहीं है, इट इज द बेसिक इंटाइटलमेंट जो इंडिविजुअल को होती ही होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हम ये आइडेंटिफाई करें तो करें कैसे कि हेट स्पीच किसे कहें? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे आइडेंटिफाई करने के लिए 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यानी कि पैरामीटर्स बताए हैं, जिसका इस्तेमाल लेजिस्लेचर और कोर्ट्स कर सकते हैं टू डिफाइन हेट स्पीच और आइडेंटिफाई हेट स्पीच। अब ये 3 डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स क्या है जिसके तहत हम हेट स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट पैरामीटर कंटेंट बेस्ड एलिमेंट। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसे शब्द या फ्रेज का इस्तेमाल करता है जो ऑफेंसिव प्राय होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट किया गया हो, तो ऐसे स्पीच को हेट स्पीच कहा जाएगा। इसके तहत सर्टेन सिंबल्स या आइकोनोग्राफी भी इंक्लूडेड है। दूसरा है इंटेंट बेस्ड एलिमेंट। इसके तहत अगर कोई स्पीकर ने भाषण दिए है या बातें कहे हैं जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ हेटर्ड, वायलेंस या रिसेंटमेंट प्रमोट की जा रही है अगेंस्ट ए पार्टिकुलर क्लास या ग्रुप, और उनके उस स्पीच में या भाषण में कोई अन्य लेजिटिमेट मैसेज है ही नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच से जुड़ा मैसेज है बस, तो ऐसे भी स्पीचेज को हम हेट स्पीच के कैटेगरी में रखेंगे। तीसरा जो पैरामीटर है वह हार्म बेस्ड एलिमेंट या इम्पैक्ट बेस्ड एलिमेंट। इसके तहत अगर कोई स्पीच जो किसी व्यक्ति या विक्टिम को हार्म पहुंचाती है, इट कैन बी वायलेंस और इट कैन बी लॉस ऑफ सेल्फ डिग्निटी या इकोनॉमिक और सोशल सबऑर्डिनेशन या फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस, या फिर विक्टिम को या विक्टिम के वॉइस को शांत करवा देना या दबा देना, या फिर इफेक्टिव एक्सक्लूजन फ्रॉम पॉलिटिकल एरिना, तो भी इसे हेट स्पीच के कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ पर हेट स्पीच को डिफाइन करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए कंटेक्स्ट यानी कि जो स्पीच है वो किस संदर्भ में बात बोली गई है वह भी समझना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विक्टिम जो हिस्टोरिकल ऑपरेशन सहा है वो कुछ बोलता है, तो उनके स्पीच को डिफरेंट तरीके से एनालाइज किया जाएगा फ्रॉम दोज मेड बाय ऑर्डिनरी पर्सन ऑन द स्ट्रीट। फ्रेंड्स, एक बात जो बेहद महत्वपूर्ण है आपको याद रखने की जरूरत है कि हेट स्पीच किसी भी कानून में डिफाइन नहीं किए गए, भारत के किसी भी कानून में डिफाइन नहीं किए गए, लेकिन हेट स्पीच से जुड़े जो मैटर्स होते हैं उसे डील किया जाता है अंडर आईपीसी सेक्शन 153A और 295A। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि हेट स्पीच जो है वो। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का रिपोर्ट जारी किया गया और उसमें भारत
10 परफॉर्मर्स में से एक है। अब इस रिपोर्ट के तहत हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसे देखते हैं। CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एनुअली पब्लिश होते हैं 2005 से ही। इसमें 57 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन जैसे देश शामिल हैं, जो लगभग लगभग 90% प्लस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं। और जो पैरामीटर्स कवर होते हैं इंडेक्स में, इसमें GHG इमिशंस होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20% एंड क्लाइमेट पॉलिसी 20%। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके तहत इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स में हम ट्रांसपेरेंसी देखते हैं। साथ ही साथ यह क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स या प्रोग्रेस जो अन्य देश कर रहे हैं उसका भी कंपेरिजन किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह रिपोर्ट नॉन प्रॉफिट जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया जाता है। क्या हाइलाइट्स हैं इसके? सबसे महत्वपूर्ण हाइलाइट यही है जो मीन्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो। इस रिपोर्ट ने पाया है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस दिशा में हो कि वो पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट को फुलफिल करे। क्या कमिटमेंट हुआ था पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि 21वीं शताब्दी के अंत तक जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर राइज होगा उसको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का। अगर G20 देशों में से कंपैरिजन करें तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन, UK एंड इंडिया हाई परफॉर्मेंस है। किसी को भी हाई रेटिंग्स नहीं मिली ग्रीन हाउस गैस इमिशन कैटेगरी में। साथ ही साथ G20 देशों में से 11 देश को लो या फिर वेरी लो रैंकिंग मिली है फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी। मतलब यह है कि अभी काफी ज्यादा स्कोप है या फिर काफी ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए। हमें एक्सेलरेटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी करना पड़ेगा। इंडिया को हाई रेटिंग्स मिला है ऑल CCPI इंडिकेटर्स के ऊपर एक्सेप्ट रिन्यूएबल एनर्जी। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है स्टेटमेंट। साथ ही साथ ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, कौन रिलीज करता है ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, और पैरामीटर्स आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, ना ही कंट्रीज के संख्या आपको याद रखने की जरूरत है। मेंस के लिए भी आप इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। बेसिकली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में आया था जिसके तहत ये जो कमिटमेंट है उसे फुलफिल करने की बात कही गई थी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। लक्षद्वीप पहला UT बन गया है भारत का जो 100% ऑर्गेनिक है। इससे पहले सिक्किम जो है वो पहला राज्य बना था जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। इस अचीवमेंट से लक्षद्वीप में जो कोकोनट इंडस्ट्री है उनको इम्पेटस मिलेगा। साथ ही साथ जो वुमेन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व है उनके वो भी अपने प्रोडक्शन को स्केल अप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? बेसिकली एक टेक्निक है जिसके तहत कोई भी एग्रीकल्चर है उनको कल्टीवेट किया जाता है या फिर एनिमल्स की रियरिंग की जाती है नेचुरल वेज में। नेचुरल वेज मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होना, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होना। इसमें हम बायोलॉजिकल मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक सब्सटेंसेस लाइक केमिकल्स को इस्तेमाल नहीं करते, सो दैट सॉइल फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। साथ ही साथ इससे पॉल्यूशन भी कम होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, लेक कंटेमिनेशन ये सब नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है। सबसे पहला है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके साथ क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है विद पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन। ये PGS सर्टिफिकेशन क्या है? बेसिकली कोई भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो तो सचमुच में वो ऑर्गेनिक है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ये सर्टिफिकेशन प्रदान करती है सो देट जो बायर्स है वो इस सर्टिफिकेशन के माध्यम से क्वालिटी इंस्टीट्यूट कर सके कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही है। इस स्कीम के तहत क्लस्टर फॉर्मेशन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन
एज वेल एज मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाता है। दूसरा स्कीम मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यह स्कीम स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चलाई जा रही है। इसके तहत सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किए जाते हैं, साथ ही साथ जो ग्रोवर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उनको लिंक भी किया जाता है, सो दैट मार्केट की कमी ना हो और जो प्रोडक्ट्स है वो इजिली सेल हो पाए। तीसरा स्कीम नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है बायो फर्टिलाइजर के ऊपर, वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। जो अगला स्कीम है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसके तहत भी फाइनेंशियल असिस्टेंस ही दिए जाते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ये याद रखने की ज़रूरत है, सिक्किम पहला राज्य बन गया पूरे विश्व में जो 100% ऑर्गेनिक है। वहाँ के सारे फार्मलैंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। उत्तराखंड पहला स्टेट है जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी लाई गई थी ईयर 2000 में। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या है या फिर नुकसान क्या है। फायदे की बात करते हैं, इसके तहत लोअर इनपुट कॉस्ट, आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स के जो हाइयर प्राइसेस है वो नहीं पे करने पड़ेंगे। सॉइल फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रहेगी, आपको प्रीमियम प्राइस मिलेगा अपने प्रोडक्ट का, एड वैल्यू, साथ ही साथ इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है फिर सस्टेनेबल। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोडक्टिविटी कम है। बेसिकली 135 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की, इस टेक्निक के माध्यम से हम इतने वास्ट अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते। साथ ही साथ ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें हमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ही हाई होते हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एक स्टेटमेंट कहा कि भारत वडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को हर संभव सपोर्ट प्रदान करेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये बताइए डोपिंग का क्या मतलब होता है। डोपिंग बेसिकली इट इज परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स। जो कोई भी एथलीट लेते हैं तो जो परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स है क्या काम करता है, जब इस ड्रग्स को लिया जाता है तो बेसिकली मोर मसल्स या फिर मोर स्टेमिना कुछ समय के लिए देखी जाती है। बट फ्रेंड्स अगर हर एथलीट ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगे तो डेफिनेटली जो प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन है उसका तो वायलेशन हो जाएगा ना। बात करते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की। ये डोपिंग को मॉनिटर करता है, यानी कि अगर कोई एथलीट इस प्रकार के ड्रग्स लेता है और अगर टेस्ट में पाया गया तो बेसिकली उस एथलीट को बैन कर दिया जाता है। आपने डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे केसेस सुने भी होंगे। ये याद रखिएगा कि जो वडा है ये सारे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में डोपिंग को मॉनिटर करता है। 1999 में इसे क्रिएट किया गया एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एजेंसी है, कोई यूएन या फिर आईपीसीसी या फिर अन्य से जुड़ा हुआ एजेंसी नहीं है। इट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी फंडेड बाय स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएटेड कंट्री। वडा डोपिंग को मॉनिटर करता है बेस्ड ऑन वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड। बेसिकली इट इज ए डॉक्यूमेंट जिसमें एंटी डोपिंग पॉलिसी लिखी रहती है और सारे स्पोर्ट्स इसमें कवर होते हैं अक्रॉस ऑल कंट्रीज। वडा पीरियोडिकली अपने लिस्ट को अपडेट करता रहता है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड मेथड्स का। इसमें स्टेरॉइड्स यानी कि इंजेक्शंस वाले सब्सटेंस हो सकते हैं, एनाबोलिक एजेंट्स या फिर स्टिमुलेट या फिर जीन डोपिंग। भारत में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल डोप टेस्ट लैबोरेटरी को स्थापित किया जा रहा है, साथ ही साथ ये लैबोरेटरी इंडिपेंडेंट बॉडीज के रूप में ऑपरेशनलाइज्ड है। नाडा जो है वो एडवाइजरी बॉडी के तरह काम करता है टू द गवर्नमेंट और ये बेसिकली एडवाइस देता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। साथ ही साथ ये नाडा नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम विच आर रिलेटेड टू एंटी डोपिंग इन द कंट्री। ये याद रखना है फ्रेंड्स कि नाडा इज द ओनली लेबोरेटरी इन द कंट्री जो ह्यूमन स्पोर्ट्स डोप टेस्टिंग करता है।
वाडा ने अभी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को सस्पेंड कर दिया है टेस्ट करने से, बिकॉज न्यूज में आई थी कि ये नडा यानी कि नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता है। इंडिया कोपेहेगन डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है, विच इज द डिक्लेरेशन ऑफ एंटी डोपिंग, और यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग, इसका भी सिग्नेटरी। आपको ये याद रखना है कि कोपेहेगन डिक्लेरेशन किस के लिए है, तो एंटी डोपिंग के लिए। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज ऑन द गगनयान। आपको पता होगा कि इसरो ने फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को लॉन्च करने का प्लान किया था, जिसको गगनयान कहा जा रहा है। ये जो गगनयान स्पेस फ्लाइट है, ये 3 क्रू मेंबर्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएगा और 7 दिन तक वो वहां रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो मेन स्पेस मिशन होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, डेफिनेटली फ्रॉम ऑल अदर मिशंस दैट इसरो हैज अंडरटेकन सो फार। इनके चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक को जानते हैं। गगनयान प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली टू डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी टू लो अर्थ ऑर्बिट, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स स्पेस में जाएंगे 7 दिन के लिए या फिर 5 से 7 दिन के लिए, साथ ही साथ उनको फिर वापस भी सेफली लाना है आफ्टर द मिशन। उसके लिए यानी कि इस पूरे मिशन को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया गया है। स्पेसक्राफ्ट जो इसरो के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, इसमें एक सर्विस मॉड्यूल होते हैं, क्रू मॉड्यूल भी होते हैं, और दोनों को ऑर्बिटल मॉड्यूल कहे जाते हैं। नो नीड टू रिमेम्बर, याद ये रखना है कि GSLV मार्क 3 इस्तेमाल किया जाएगा गगनयान को लॉन्च करने के लिए, ये लॉन्च व्हीकल है बेसिकली। रशिया ट्रेनिंग प्रदान कर रहा है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को, साथ ही साथ जो फ्रांस है उसको सॉरी जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है उससे भारत को या फिर इसरो को मदद मिल रही है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग एक्सपर्टीज इन वेरियस फील्ड, चाहे वो स्पेस मेडिसिन का क्षेत्र हो, एस्ट्रोनॉट हेल्थ मॉनिटरिंग का क्षेत्र हो, या फिर रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड लाइफ सपोर्ट का क्षेत्र। अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अभी तक सिर्फ US, रशिया और चाइना ने ही मैन्ड मिशंस को आउटर स्पेस में भेजे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। इसरो का जो मिशन है अब तक, चाहे वो मार्स मिशन हो या फिर मून्स मिशन हो, इसमें स्पेस क्राफ्ट को वापस लाने का कोई भी इनिशिएटिव नहीं है। एक बार स्पेस क्राफ्ट को मार्स पे भेजा और फिर मार्स से हम वापस अर्थ पर ला रहे हैं, ऐसा किसी भी प्रकार का प्रोग्राम इसरो ने कंडक्ट नहीं किया है। जब भी हम मैन्ड मिशन की बात करते हैं तो इसमें हमें एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जरूरत पड़ती है टू ए प्री डिटरमाइंड लैंडिंग ग्राउंड। इस मिशन में आपको एक और चैलेंज सामना करना पड़ेगा, वह है कि आपको अर्थ लाइक कंडीशंस स्पेस में प्रोवाइड करने पड़ेंगे, विच इज वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द क्रू मेंबर्स। अनदर मेजर चैलेंज क्या है, इसरो PSLV लॉन्च व्हीकल पे रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो PSLV लॉन्च व्हीकल है सिर्फ और सिर्फ 2 टन्स के लोड को ही ले जाने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेस क्राफ्ट जो ह्यूमन बींग्स को कैरी करेगा, हो सकता है इसका वेट ओवर 5 टन्स हो, तो ऐसे में GSLV मार्क 3 का इस्तेमाल किया जाएगा टू कैरी द ऑर्बिटल मॉड्यूल विच विल हैव नेसेसरी प्रोविजंस फॉर सस्टेनिंग 3 मेंबर क्रू। द नेक्स्ट चैलेंज इज टेस्टिंग एंड मास्टरिंग ऑफ द आर्ट मेकिंग स्पेस सूट विच विल बी यूज बाई इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द मिशन। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो क्रू मेंबर्स होंगे उनको स्पेशल स्पेस सूट भी प्रदान करनी पड़ेगी, सो दैट वो जो रेडिएशन है उनका सामना कर सके, तो यह भी एक चैलेंज ही है। साथ ही साथ जो री एंट्री और रिकवरी टेक्नोलॉजी है उसको भी डेवलप करना एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा। 2007 में इसरो ने री एंट्री टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया था सैटेलाइट रिकवरी एक्सपेरिमेंट की मदद से। साथ ही साथ क्रियो स्पेस मैकेनिज्म, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है एट ए पॉइंट ऑफ लॉन्च तो देर शुड बी अ वे सो दैट क्रियो जो है वो एस्केप कर सके अपने उस स्पेस क्राफ्ट से, सो दैट लाइफ कैन बी सेव। तो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली फ्रेंड्स गगनयान का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी इमर्जिंग टॉपिक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
अब आ जाते हैं छोटे मोटे न्यूज की ओर। तो फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लेबनान रिफॉर्म रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क, 3R, 3R मीन्स रिफॉर्म रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन एंड फ्रेमवर्क। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि अगस्त 2020 में जो बैरट के पोर्ट है वहां पे मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था। तो इस एक्सप्लोजन के बाद एक कंप्रिहेंसिव पीपल सेंटर रेस्पॉन्स सिस्टम लाया गया था, उसी का एक कंपोनेंट है जो अभी लाया गया है 3R F। ये फ्रेमवर्क यूरोपियन यूनियन, UN और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है। 3R F जो फ्रेमवर्क है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? बेसिकली लेबनान को मदद किया जा सके कि वो तीन मुख्य गोल्स अचीव कर सके इन रेस्पॉन्स टू बैरट पोर्ट एक्सप्लोजन। क्या वो तीन सेंट्रल गोल्स होंगे? पीपल सेंटर्ड रिकवरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेट्स या सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में लोगों के ट्रस्ट टूट गए या कमजोर हो गए उस ट्रस्ट को रिस्टोर करना बाय इंप्रूविंग गवर्नेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट UNCTAD इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। सबसे पहले फ्रेंड्स आप हमें ये बताइए UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर क्या है? बेसिकली जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इन्वेस्ट इंडिया को, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, उसे विनर ऑफ द 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का विनर घोषित कर दिया है। अगर हम इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। UNCTAD अवार्ड रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। ऐसे प्रमोशन एजेंसी जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए दिए जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, विच इज अबाउट एडवर्टाइजिंग द स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स। आपको याद होगा मैंने फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में बताया था कि ये वो स्पोर्ट्स होते हैं जो ऑनलाइन प्ले किए जाते हैं विद द वर्चुअल मेंबर्स, जैसे लूडो हो गए, पबजी हो गए, फ्री फायर हो गए या फिर चेस हो गए, ऐसे और भी बहुत सारे गेम हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एडवाइजरी जारी की थी प्राइवेट टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स को कि आप एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करिए अगर आप ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हो या फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स से जुड़े कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हो। ASCI गाइडलाइंस के तहत कोई भी गेमिंग एडवर्टाइजमेंट को डिस्क्लेमर देने की जरूरत होगी कि यह गेम खेलने से आपको फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है या फिर एडिक्टिव भी हो सकता है। आप अगर कोई मूवी देखते हो या फिर सीरियल देखते हो तो उसमें एक डिस्क्लेमर रहता है, तो उसी प्रकार का डिस्क्लेमर ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी दिए जाएंगे। डिस्क्लेमर जो है वो एटलीस्ट 20% ऑफ द एडवर्टाइजमेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि लेट्स से कि ये इतना एरिया में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो 20% एरिया विल बी ऑक्यूपाइड बाय डिस्क्लेमर। एडवर्टाइजमेंट में यह सजेशन नहीं होने चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो आपको इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है या फिर इट इज एन अल्टरनेटिव टू एम्प्लॉयमेंट, नॉर ये ऐसे एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं जिसके तहत कोई भी पर्सन ऐसे गेम खेल रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ही ज़्यादा रिच हो गया देन अदर। फॉर एग्जाम्पल जब आप फेसबुक में स्क्रॉल करते हो तो आपको जो एश है यानी कि जो ताश है उसके गेम के प्रचार को दिखाए जाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति 5 लाख 10 लाख कमा लिया, तो आप भी इस गेम से जुड़िए। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने की बात है बेसिकली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है फ्रेंड्स, प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेट किए गए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम के तहत। कहाँ पर? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम और तीसरा तेजपुर में। ये जो मिशन है NMSHE,
इसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो 2000 में आया था, 2008 में आया था, टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली टू इवॉल्व मैनेजमेंट मेजर्स सो दैट जो हिमालयन ग्लेशियर्स है या फिर माउंटेन इकोसिस्टम है उनको सस्टेन किया जाए और सेफगार्ड किया जाए। आपको पता है किस प्रकार से हिमालयन इकोसिस्टम बहुत ही बायोडायवर्सिटी रिच रीजन है, सो उन्हें प्रोटेक्ट करना, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज ए रियलिटी नाउ, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना अब जरूरी हो गया है, बिकॉज इट इज ए लाइफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल वहाँ से हमें फ्रेश वाटर्स मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स होते हैं जो बहुत सारे हैबिट डिजीज को ट्रीट करने में मदद करते हैं। NMSHE includes क्या क्या इस मिशन के तहत किया जाता है, मॉनिटरिंग ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम, कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन या मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन। आप देख रहे हो कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट, इसका मतलब कम्युनिटी भी एक की रोल प्ले करेगा इन बेटर एनालिसिस ऑफ द इन प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके इम्प्लीमेंटेशन को कोऑर्डिनेट या मॉनिटर करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट इको डक्ट्स या इको ब्रिजेज। बेसिकली रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन जो उत्तराखंड का है, इन्होंने हाल फिलहाल में फर्स्ट इको ब्रिज रेप्टाइल्स के लिए और स्मॉल मैमल्स के लिए बनाया है। इंसानों ने तो ऐसे बहुत सारे ब्रिज बना लिए, रेलवे ब्रिज, रिवर के ऊपर ब्रिज, लेकिन कहीं ना कहीं इन मैमल्स को या इन स्पीसीज को भी ब्रिजेस की जरूरत होती होंगी, जिसके कारण या जिसकी मदद से वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा सके। तो ये जो इको डक्ट या इको ब्रिजेज है, इसका मकसद है वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी को बढ़ाना, जिस जो डिस्टर्ब हो गई होगी बिकॉज ऑफ हाईवेज या फिर लॉकिंग। इसमें कैनोपी ब्रिजेज आ जाते हैं जो मंकी यूज करते हैं या स्क्वेरल्स यूज करते हैं या अदर अर्बोरियल स्पीसीज यूज करते हैं। कंक्रीट अंडर पासेस या ओवर पासेस और विडियक्ट यूज आर यूज फॉर लार्जर एनिमल, साथ ही साथ एम्फीबियन टनल या फिर कलवर्स, नो नीड टू रिमेंबर दिस। यूजुअली ये जो ब्रिजेज हैं वो ओवरले किए जाते हैं विद प्लांटिंग फ्रॉम द एरिया टू गिव इट ए कंटिजुअस लुक विद द लैंडस्केप। द लास्ट आर्टिकल इज अबाउट लीडा टेक्निक। नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर बॉडी है और ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को फाइनेंस, मॉनिटर और ऑपरेट करती है। ये लिडार टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे जिसकी मदद से ग्राउंड सर्वे किया जा सकेगा फॉर द प्रपोज दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अभी लिडार टेक्निक क्या होती है, इट इज ए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जिसके तहत लाइट का इस्तेमाल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेजर टू मेजर रेंजेज या वेरिएशंस ऑन ए लैंडफॉर्म। बेसिकली इसके तहत ये अगर कोई लैंड है और कोई स्पेसक्राफ्ट है इसमें ये डिवाइस लगी हुई है, तो ये एक पल्स भेजेगा और जो टाइम लगे हैं इस पल्स को जाने में, साथ ही साथ जो टाइम लगेंगे पल्स को वापस आने में उसको नोट डाउन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 सेकेंड लगे लेकिन यहाँ पर 10 सेकेंड लगा, तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि यहाँ वेरिएशन इन डेप्थ इज डिफरेंट। तो ऐसे करके जो रूट्स होंगे, जो प्रपोज रूट्स होंगे, उनका 3D मैपिंग कर लिया जाएगा और इसकी मदद से प्रोजेक्ट किया जा सकेगा। ये लाइट पल्सेस अलोंग विद द अदर डाटा रिकॉर्डेड बाय द एयरबोर्न सिस्टम, इट कैन बी ड्रोन्स, इट कैन बी प्लेन्स, और इसकी मदद से प्रिसाइज 3D इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ देखने को मिलेगा एज वेल एज इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, कहाँ डेप्थ है, कहाँ वेरिएशन है। दिस लिडार इज सिमिलर टू रेडार एंड सोनार जो रेडियो और साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं रेस्पेक्टिवली। रेडार रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं और सोनार साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। आप हमें बताइए फ्रेंड्स कि जो ओशियन के अंदर रिलीफ फीचर्स है उसका पता कैसे किया जाता है।
उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो सोनारी होती है, जिसके तहत सिग्नल्स भेजे जाते हैं और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो डेफिनेटली वो जल्द ही रिफ्लेक्ट करेगा या फिर देरी से रिफ्लेक्ट करेगा, और इससे पता चलेगा कि वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक रिजेज हो सकते हैं, सी माउंट्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सीरीज, होप आपको पसंद आई होगी। अब हम कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जिस आपको अगर कोई अन्य टॉपिक की भी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे मैसेज करिए, हम उसे भी पब्लिश करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।